नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह सुबह उठ गया हूँ। सुबह सुबह मतलब अभी बजे हैं, आपको दिखाता हूँ अभी कितने बजे हैं। अभी बजे हैं 5:30 लगभग बज गए हैं अभी। क्योंकि कल रात को ही एक अचानक से प्रोग्राम बना कि हम चलेंगे शिमला। गेस्ट आए थे लुधियाना से, तो उन्होंने बोला कि शिमला जाना है। उन्होंने काफ़ी जिद किया कि शिमला चलना ही चलना है उन्होंने। और हमने प्लान बनाया कि हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल जाएंगे। तो हैं बाकी सारे सो रहे हैं, सबको उठाता हूँ मैं। बिस्किट ले लो, हाँ बिस्किट दे दो। मौसम के अरे बिस्किट गिर गया यार, गिर गया। दोस्तों हम हो गए हैं रेडी, और अभी ये भी रेडी हो गए, सारे रेडी हो गए, तैयार हो गए। देखिए वो बैग उधर, आपको भी दिखाया था। देखिए बैग इतने सारे हो गए। चाय अभी पी रहा हूँ, निकल के जाना था 7:30 बजे, अभी देखिए कितना हो रहा है, तो 8 बजे चलेंगे। तो अभी रेडी हो गए, सारे रेडी हो गए हैं। तो ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है 1 डे टूर टू शिमला, चंडीगढ़ टू शिमला बाय कार जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको मनाली वाला वीडियो में दिखाया था, किया सेल्टोस XTX IVT ऑटोमेटिक गाड़ी लेके हम जाएंगे शिमला। शिमला में रहेंगे, आज रात स्टे करेंगे और अगले दिन थोड़ा सा शिमला में और करके शाम को वापस आएंगे। तो वन नाइट मतलब आज जाएंगे, आज 25 दिसंबर है और 26 दिसंबर को वापस। तो एक 1 डे का जो ट्रिप है वो दिखाऊंगा आपको, और रोड्स कैसे हैं वो दिखाऊंगा, और सारे दिखाऊंगा, मजा मस्ती करेंगे। तो बने रहिए, चलिए फटाफट चाय पी के निकलते हैं। और लाइक भी कर देना। और कैसा, कहाँ जाना है? मुझे तो शिमला जाना है। अच्छा शिमला जाना है, चलो ठीक है शिमला चलते हैं। चलो ओके चलो। बताना ये UCB के शूज है, बच्चों का है, ये लाया था लियो के लिए, लेकिन ये एक साइज बड़ा आ गया। देखते हैं अगर ठीक है तो फिर शिमला से वापस आके रिटर्न कर देंगे, अगर रहता है तो। दोस्तों हम निकल गए और अभी टाइम हुआ है 8 बज गया, मतलब 8 बजे निकले, अभी 11 मिनट आ गए। तो यहाँ मोहाली से चंडीगढ़ से मेरा 100 किलोमीटर मुझे जाना है। आज 11 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लेकिन इतनी ठंड है नहीं, इतनी ठंड लग नहीं रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है। अभी ये चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों पेट्रोल डाल लिया यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा ARB चेक करते हैं और चलते हैं। आपको दिखाता हूँ शिमला के रोड, चंडीगढ़ टू शिमला रोड कैसे हैं वो दिखाता हूँ। आप देखिए आज का मौसम अच्छा है, इतना इतनी कोई वो नहीं है, ठंड नहीं है, एकदम नॉर्मल सा वेदर है, जो कि नॉर्मल वेदर 11 डिग्री दिखा रहा है लेकिन नॉर्मल लग रहा है, तो इतना कोई ठंड नहीं है, अच्छा वेदर है। देखते हैं। अरे ये भी शिमला जा रही है क्या, इतना सारे बैग है। हम चंडीगढ़ लगभग क्रॉस हो चुके हैं, अब चंडीगढ़ के बॉर्डर ही पहुँच गए। धूप निकल आई है देख सकते हैं, तो चंडीगढ़ क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि लाइटें काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक लाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग चंडीगढ़ क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको आगे और रोड्स दिखाता हूँ कैसे। सारे एक्साइटेड है लाइव स्नोफॉल देखने के लिए, पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, चलिए होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। जब आप चंडीगढ़ से शिमला जाए ना, तो ये टूल अगर आप आराम से क्रॉस कर जाए तो आप समझो आपके 20-1 मिनट सेव हो जाएंगे, क्योंकि ये टोल में काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी हम चंडीगढ़ से निकल के पंचकुला क्रॉस करके फिर बस अब कालका पहुंचने वाले हैं। ये जो लेफ्ट जा रहा है ये जाएगा पिंजोर कालका, हम अभी कालका पहुंचे हैं, मतलब सीधे जाएंगे, लेफ्ट साइड में पिंजोर के लिए है। चंडीगढ़ से शिमला तक रोड काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है, सोलन तक तो काफ़ी अच्छा ही है, और आगे कहीं कहीं कुछ काम चल रहा है और वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो कंप्लीट रोड एकदम बढ़िया हो जाएगा। हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं, अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये रोड काफ़ी बन गया, पहले रोड थोड़ा सा ख़राब था, अभी काफ़ी रोड बन गया है, अच्छा हो गया है, यहाँ तक अच्छा है। अब हम सोलन में जाके रुकेंगे, सोलन में कुछ खाएंगे अभी मैं सोच रहा हूँ, बाकी सबसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सारे बैठे हैं आराम से, एकदम से धूप निकल आई है, आप देख सकते हो पूरा आंखों में अभी गर्मी लग रही है। मैंने एक जैकेट पहना था, एक स्वेटर पहना था, उसके ऊपर एक जैकेट पहना था, तो जैकेट ज़्यादा हो गया है। और देखिए किया सेल्टोस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिन भाइयों का भी, जो भी मेरे दोस्त के पास किया सेल्टोस ऑटोमेटिक है, तो देखिए अब शिमला, मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मनाली का दिखाया था, मनाली गया था मैं इसको लेके, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अभी देखिए शिमला जा रहा हूँ, और ये ऑटोमेटिक वर्जन है, तो गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, देखिए हिल में भी चल रही है।
जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं गया था मनाली इस किया सेल्टोस ऑटोमेटिक आईबीटी को लेके, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट करा, मुझे पूछा, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया उस वीडियो को। चंडीगढ़ से मनाली जो मेरा रोड ट्रिप था, ये चंडीगढ़ से शिमला रोड ट्रिप वाला है। तो देखिए अब किया सेल्टोस ऑटोमेटिक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लोग कहते हैं ओवरटेकिंग में लेगेंगे, कहाँ लेगेंगे, मैं तो ओवरटेक करके जा रहा हूँ, आप देख सकते हो कहीं कोई लेगिंग नहीं है, बहुत मस्त है। हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं, आगे आपने देखा मैंने आपको बोला था हिमाचल एंटर कर चुके हैं। यहाँ हिमाचल एंट्री करते ही आपको यह टोल बैरियर मिलेगा, तो ये टोल अभी हम यहाँ से देके फिर हमें निकलना है। देखते हैं, ये मैनुअल लग रहा है, मैनुअल टोल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ काफ़ी रश होता है, तो ये निकल जाए जल्दी, मतलब आपका काफ़ी टाइम बच जाता है यहाँ पर भी। कितना 40 रुपये लगे यहाँ, और आप देख सकते हो रोड दोस्तों, 4 लेन रोड है, काफ़ी अच्छा रोड है। मेरे लास्ट वीडियो में काफ़ी आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करे थे कि लाइट थ्रो कैसा है किया का, लाइट थ्रो हाँ ठीक है, ओके टाइप है। जो आप लोगों का डाउट है कि लाइट थ्रो एकदम अच्छा है, वो थोड़ा सा लेगिंग है नो डाउट, लेकिन ठीक है, लाइट थ्रो एकदम मतलब बेकार भी नहीं है जो इतना लोग बोलते हैं, ठीक है लाइट थ्रो। और सस्पेंशन तो मुझे इतना वो नहीं लगा, सस्पेंशन में काफ़ी लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, नहीं मुझे तो ठीक ही लगा अभी तक, मुझे अब तक का एक्सपीरियंस मेरा ठीक है सस्पेंशन का भी। और देखिए ये गाड़ी आपको जो ऑटो है आईबीटी है जिसमें हम सबका रहता है, सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि ऑटो लेके हील पे कैसे चले जाए, तो आजकल गाड़ियों में आपको पता ही है ट्रैक्शन कंट्रोल है सारा कुछ है, तो आप जा सकते हैं। देखिए मैं हिल पे चढ़ रहा हूँ, अब ये सीधे जाके मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप देख सकते हो तो ये गाड़ी आराम से चढ़ रही है, आप देख सकते हो इधर। सोलन 27 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से, तो सोलन पहुंचेंगे। रोड अभी अब तक अच्छा है, रोड आप देख सकते हो बहुत बढ़िया रोड है। चंडीगढ़ से अब सोलन पहुंचने वाले हैं, सोलन 27 किलोमीटर है सोलन, अभी तक रोड बहुत बढ़िया मिल रहा है, और हमारी जो सेल्टोस है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। और इस गाड़ी की मैं आपको खास बात बताऊं दोस्तों सेल्टोस की, कि इसका ना कोई साउंड नहीं है, जब गाड़ी के अंदर बैठोगे ना आपको आपको लगेगा ही नहीं कि गाड़ी स्टार्ट है। चल आप लोगों के एक और क्वेश्चन सवाल है जिसका मैं आपको जवाब दे दूं, जो कि सारे पूछते हैं कि हिल होल्ड असिस्ट है कि नहीं है। हाँ है, यस, इसमें इनबिल्ट हिल होल्ड असिस्ट है, कहीं भी एकदम खड़े एकदम स्टीप पे आप गाड़ी रख दीजिए, आपकी गाड़ी पीछे नहीं आएगी आगे जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोल बैक नहीं है, तो इस पर आप निश्चिंत रहिए, टेंशन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, आप लेके कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं सोलन, धीरे धीरे आए, ये बच्चा पार्टी थे, ये दो बच्चे पार्टी थे, ये जो लियो और आदि, इन्होंने थोड़ा सा किया वॉमिटिंग, और हम लोग लेके आए थे क्या, ये पानी ना, जल, हाँ जल, ये अच्छा कितने, अच्छा जल लेके आए थे, ये पानी अच्छा रहता है, ये आप कहीं भी जाओ तो इस टाइप के बोतल लो ना जाने के लिए, तो अच्छा लगता है, इससे आपका मतलब वो होता है। वो देखिए आगे बस स्टैंड लग रहा है, ये सोलन का बस स्टैंड लग रहा है। वोमिटिंग किया था, हाँ तूने किया, थोड़ा ठीक हो गया अभी, तूने तूने थोड़ा सा किया, इसने थोड़ा ज़्यादा किया, अभी ठीक है तू, क्यों अच्छा नहीं लग रहा तुझे, अभी इनको अच्छा नहीं लग रहा है पता नहीं, क्योंकि ये लोग आज हम लोग क्या है कि हम लोग बिना सुबह कुछ खाए नहीं, हम लोग मतलब हम निकले 8 बजे, नो डाउट हमने कुछ खाया नहीं, ना बच्चों ने ना हमने, किसी ने कुछ नहीं खाया, तो गाड़ी में थोड़ा सा खाली पेट हो जाता है, तो कोई नहीं। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर न्यू मॉडर्न ढाबा पर रुके हैं, न्यू मॉडर्न ढाबा सोलन बस स्टैंड के जस्ट पास, तो यहाँ खा के फिर निकलते हैं शिमला के लिए। अपने गाड़ी आईबीटी आपको जैसे बताया था, अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में किया। हम शिमला पहुंच गए, और शिमला पहुंच के हम फंस गए हैं जाम में, जो हमारा होटल है वहां जा रहे हैं, तो रास्ते में हमारे और भी एक प्रॉब्लम हुई, रास्ते में ना एक गाड़ी आगे से, जैसे कि गाड़ी ऐसे हिल में खड़े रहते हैं ना, तो ये गाड़ी पीछे आ गई, एक गाड़ी पीछे आ गई, पीछे आके थोड़ा सा आगे मेरी लग गई है, लेकिन वो नंबर प्लेट पे लगी है, तो कहीं गाड़ी के बॉडी में नहीं लगा है, थोड़ा सा नंबर प्लेट में लगा है, नंबर प्लेट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो आपको पहुंच गए हैं अभी
हेलो, हम होटल जाएंगे, होटल से फिर हेलो आगे निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? आफ्टरनून जी, हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन। ये है बालाजी रिगेंसी होटल, जहाँ हमने बुक कराया। ये सारा बिल्डिंग है, इसकी पार्किंग दिखाई, यहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग है इसकी। और यहाँ पर भी इसकी पार्किंग है। अच्छा, यहाँ एक गाड़ी लगी हुई थी, अभी वो चली गई, नहीं तो यही रख सकते थे। और ये होटल के रिसेप्शन की ओर चलते हैं। ये होटल विक्टोरिया टनल क्रॉस करते ही है। दोस्तों, होटल में रूम में पहुँच गए। देखिए, ये रूम है, काफ़ी थोड़ा छोटा रूम है, लेकिन एकदम सुंदर सा नीट एंड क्लीन रूम है। बढ़िया लग रहा है, बेड देखिए अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका ना जो इसका व्यू नहीं है कोई भी, ये आगे पीछे दीवार है, तो ये अच्छा लग रहा है। इधर सोफ़ा है, ये टेबल छोटी सी है दी गई है, यहाँ पर कुछ मतलब चाय कॉफ़ी मेकर वगैरह है, यहाँ पर लग रहा है टीवी वगैरह लगा हुआ है, तो अच्छा, काफ़ी अच्छा सा रूम है। बाथरूम है, ये अच्छा है, एकदम छोटा बाथरूम है लेकिन ठीक है। इधर ये नहाने के लिए है, ग्लास अच्छा है, स्लाइडिंग स्लाइडिंग वाला है, ठीक है। होटल अच्छा लगा, साफ है, बाथरूम भी साफ है। दोस्तों, हम पहुंचे हैं होटल और अभी बजा है 1:30 बजा है, तो हम निकले थे लगभग 8 बजे निकले थे, 8:30 बजे, तो अभी 1:30 बजा है, तो काफ़ी टाइम भी लगा आने में। थोड़ा सा यहाँ पहुँचते ही जाम लगा, तो हम ठहरे हैं बालाजी रिगेंसी होटल पे। अब देखते हैं, अभी ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, थोड़ा रेस्ट लेना है, रेस्ट लेके फिर निकलना है, तो कितना टाइम हमारे हाथ में आज बचता है वो देखते हैं, फिर जाते हैं कहीं पर। कुफरी तक शायद पहुँच जाएंगे, नारकंडा जाने का मन था 60 किलोमीटर, लेकिन अभी काफ़ी ट्रैफिक होगा, जो गाड़ी मैंने जब पार्किंग की तो वो भी बोल रहा था कि काफ़ी ट्रैफिक होगा, तो वहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज हो नहीं पाएगा, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। कुफरी तक अगर पहुँच जाएंगे तो कुफरी तक चले जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आके थोड़ा सा मॉल रोड घूम के फिर आज का दिन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, तो आज हमने कहीं भी जाने का प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया और आज मॉल रोड ही घूमेंगे। तो हमारे होटल के पीछे से कुछ सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियाँ चढ़ के आके डायरेक्ट मॉल रोड कनेक्टिविटी है, तो वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आके अभी मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। मॉल रोड में घूमेंगे और शाम को आज क्रिसमस पार्टी भी है, तो वहाँ पर भी जाएंगे, एंजॉय करेंगे। दोस्तों, जो हम जिस होटल में रहते हैं बालाजी रिगेंसी, उसमें से कुछ सीढ़ियाँ हैं, करीबन 20-25 सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़ के आओगे तो ये मॉल रोड जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ, ये रोड आपको मिल जाएगा और आपको सीधे मॉल रोड की कनेक्टिविटी मिल जाएगा। मतलब होटल से मॉल रोड की एक्सेस सही है, मुझे अच्छा लगा होटल से मॉल रोड की एक्सेस। मैं दिखाऊंगा आपको सीढ़ियाँ भी, जो जिस होटल से मैं आया अभी बालाजी रिगेंसी से, उसकी सीढ़ियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। वायर विगट का होटल से निकल के आके सीढ़ियाँ चढ़ के ये रोड, जिस रोड में मैं अभी चल रहा हूँ, वो जो आगे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, वहीं से मार्केट और सारा मॉल रोड का वहीं से स्टार्ट होता है, तो पहुँच ही गए। हमें करीब 5-7 मिनट ही लगा। ये है फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। हाँ, ये हम पहुँच गए मॉल रोड पैदल, होटल से चल के हमें लगा 10-15 मिनट लगा बस होटल से मॉल रोड पहुँचने में। आपको मॉल रोड दिखाता हूँ, वो देखो, उनको देखो, वो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप हंसना मत, और हंसना मत के हंसना, वो जो भाई साहब जो मेरे साथ आए, हमारे साथ एक साथ आए ना, हम लोग एक साथ भाई साहब, वो देखो, वो दुकान के सामने फ़ोटो खींच रहे हैं, दुकान के सामने। ये कौन सा दुकान है? इसके सामने फ़ोटो खींच रहे हैं। अच्छा, कुछ लिया इन्होंने शायद, ये देखो, इस दुकान के सामने, दुकान के साथ फ़ोटो खींच रहे थे, पता नहीं कुछ खास होगा, पूछते हैं जाके, मैं पूछता हूँ उनको। भाई साहब, दुकान के सामने सेल्फी ले रहे थे, किस लिए? सर, मैं इसलिए ले रहा था। दुकान आपको अच्छा लगा क्या? दुकान अच्छा लगा तो हम खरीदे। अच्छा, खरीदे थे, ओके। ये क्या है? ये मास्क है, कान भी बंद। अरे ये रुको, ये देखो दोस्तों, ये क्या है? ये मास्क भी है और कान भी बंद हो गया। अरे यार, आप कभी ये मतलब हिल स्टेशन में आओ ना, तो ये खरीद सकते हो, मास्क भी हो जाएगा, कान भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये मॉल रोड में आपको दिखा रहा हूँ, मैं खुद आना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद कितना आया हूँ वीडियो में, मैं खुद बार बार निकलूँ तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैं आपको मॉल रोड दिखाऊंगा। यहाँ ले लेते हैं जूस, है पानी, छोटा वाला बोतल वो दीजिए, जल का, ये छोटा वाला, हाँ ये जल का, इसको दीजिए, ले भाई, कितने का जूस? नहीं है, काफ़ी लोग हैं अभी,
शायद सारे कहीं ना कहीं कल भी आए थे या आज सुबह आए थे, कहीं गए थे घूमने के लिए, तो अभी वापस आ गए हैं और मॉल रोड आ गए हैं। जो वापस आ रहे हैं वो शायद होटल जा रहे हैं या फिर से इसी मॉल रोड में घूम वापस जाएंगे, और हम पहुंचे लेट, तो हम आज मॉल रोड घूमेंगे और कल देखते हैं क्या है, क्योंकि कल ही हमें वापस जाना है। तो देखते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ, कुफरी नहीं जा पाए, नालदेरा ना जा पाए, एम्बुलेंस आ रही है, हमें एम्बुलेंस को साइड देना है, लाइन एम्बुलेंस आ रही है। दोस्तों हमेशा एम्बुलेंस को साइड दिया करो। और हम आज नारकंडा जाना था, नारकंडा भी नहीं जा पाए, कल देखते हैं कल क्या करेंगे। कल या तो नारकंडा जाएंगे फिर वहाँ से चंडीगढ़ वापस, या तो भाया चेल होते हुए जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा दोनों। हाँ, और स्नो भी बोल रहा है, देखते हैं, स्नो देखना है थोड़ा बहुत, तो नारकंडा जाना पड़ेगा या तो हमें जाना पड़ेगा उससे भी आगे। हम चलते हैं चर्च तक, इधर अलग है, दो रोड है, यहाँ से होटल से जब आए थे तो इधर सीधे चर्च है, तो चर्च के तरफ चलते हैं, रिजिट की तरफ वहाँ जाते हैं। काफ़ी रोश है, इवनिंग टाइम है, देखिए मॉल रोड में, लेकिन मास्क कोई नहीं पहन रहा है। नहीं, ये पहन रहे हैं, कुछ लोग पहन रहे हैं, कोई नहीं पहन रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। वहाँ मैम बोल रही थी, पुलिस वाली मैम बोल रही थी कि मास्क पहनिए, लेकिन क्या है कि कोई मानना नहीं चाहता है। हम लोग क्या है कि इंडिया से बाहर कोई फॉरेन कंट्री हो, यूरोप हो, यूएस हो, कनाडा हो, तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन खुद हम रूल फॉलो नहीं करना चाहते हैं। ये हमारी एक इंडियंस की खासियत है। ये देखिए मॉल रोड बहुत बढ़िया, हिमाचल में कहीं भी जाओ ना, सारे हिमाचल में आपको मॉल रोड मिलेगा, लेकिन शिमला ऐसे मॉल रोड बढ़िया अच्छा लगता है, क्राउड हर किसी एवरीथिंग यहाँ आपको शिमला में ही मिलेगा, बहुत अच्छा होता है। ये कभी भी मॉल रोड आया शिमला तो ये जो हम नेशनल फ्लैग देखते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है। इधर आगे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए देखा रे जी, मतलब इतना अच्छा व्यू था, देखा आपने। तो ये मॉल रोड में काफ़ी चहल पहल रहती है अभी, देखा आज ये 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, तो आज काफ़ी रश है। हम भी सिर्फ एक दिन के टूर के लिए आए हैं, वन डे, तो हम कहीं जा पाए ना पाए, क्या होगा क्या नहीं होगा सब बताएंगे आपको, आप बने रहिए। तो देखिए, ये देखिए हमारी शान, हमारी जान और हमारी सब कुछ यही है, इसको देखिए आप कैसे ये हवा में लहर रही है। तो ये है ख्रिस्ट चर्च शिमला, शिमला का ख्रिस्ट चर्च है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है आज, और काफी लोग हैं, देखिए आज ऐसा लग रहा है सारे शिमला के लोग या आसपास के एरिया के, चंडीगढ़ से या पंजाब से हो या हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, सारे लोग इधर ही आ गए ऐसा लग रहा है, इतने सारे इतने लोग हो गए हैं, इतना रस है ना क्या बोलूं। तो आपको मैं दिखाता हूँ ख्रिस्ट चर्च, ये देखिए ये है शिमला का ख्रिस्ट चर्च। सेक्सोफोन बजा रहा है संता वहाँ पर। तो चर्च के अंदर चलते हैं, आ जाओ। आज मैं दिखाता हूं आपको कितने लोग हैं शिमला के मॉल रोड पे, रिजिट पे, आप देखिए मैं पता नहीं, मेरा मोबाइल से ही मैं शूट कर रहा हूं, मेरा मोबाइल आपको कवर कर पाएगा नहीं करेगा, मैं हाथ ऊपर कर देता हूं, आप देखिए कितने लोग हैं चारों तरफ। शिमला मॉल रोड एक बहुत ही खूबसूरत और हैपनिंग प्लेस है, हिल टॉप पे है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, आपको व्यू आएंगे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर।
इतने लोग हैं ना, आप यहाँ पर खो जाओगे। और बच्चे तो अगर हाथ से निकल गए, छोटे अगर है किसी के, तो वो उन्हें ढूंढना मुश्किल है। समझ रहे ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ये मॉल रोड में क्या है कि आपके जो रोड है इसके दोनों साइड शॉप है, शॉप्स हैं, काफ़ी शॉप्स हैं, वैरायटी शॉप है आपके, तो इसमें घूम के अच्छा लगता है। काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहा है, मतलब एकदम हैपनिंग जगह है। आपको ऐसा लगेगा नहीं आप इंडिया में, आपको ऐसा लगेगा आप इंडिया से बाहर हो। मेरा मतलब है किसी USA या यूरोप कंट्री में हो। कोई बांसुरी बजा रहा है, देखिए कितना अच्छा दोस्तों। शिमला के मॉल रोड पे आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप ना UK में हो, लंदन में हो, तो यूनाइटेड किंगडम में ऐसा फील आएगा आपको, इतना अच्छा लगेगा ना। आज तो देखिए कितने लोग हैं, वाह आज तो लोग ही लोग हैं, दुनिया के लोग। घूमते घूमते मॉल रोड, यहाँ वहाँ भटकते भटकते शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्रिसमस पार्टी वेन्यू की ओर, वहाँ मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। दोस्तों आज का दिन आपने देखा, चंडीगढ़ से आए और हम गए मॉल रोड घूमने के लिए। मतलब आज का दिन क्या है कि आते आते लेट हो गया, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉल रोड ही गए, बस मॉल रोड घूमे। कल देखते हैं कल क्या करेंगे, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। हम चंडीगढ़ से आए थे शिमला, हमारा लिए कोई भी चीज़ फिक्स नहीं थी कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए, मैं दिखाऊंगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज 26 दिसंबर है और कल हम आए थे चंडीगढ़, तो आज हमने प्लान कर लिया हम जाएंगे नारकंडा। नारकंडा जा रहे हैं, वहाँ स्नोफॉल के प्रेडिक्शन है, तो स्नोफॉल हमें मिलना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंट है 100% मिलना चाहिए, देखते हैं। अब नारकंडा यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है, नारकंडा पहुँचने में लगेगा हमें 2 घंटे, तो 2 घंटे में नारकंडा पहुँचते हैं और देखते हैं स्नो मिलेगा या नहीं। वाओ, सही में हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि क्या बताएं, देखिए स्नोफॉल देखिए, वाओ लाइव स्नोफॉल, पूरा बर्फ की चादर बिछड़ गई है, वाओ कितनी बढ़िया। ये दोस्तों इसे कहते हैं किस्मत। अरे यार मेरे टोपी पे देखिए दोस्तों, पूरा बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल एकदम बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ गया। मतलब एक दिन का जो आना हमारा प्रोग्राम था वो पूरा सफल हुआ, पूरा पैसा वसूल बोल सकते हो आप। अब यहाँ से निकलते हैं, अब धीरे धीरे जाना पड़ेगा, ट्रैफिक भी काफ़ी लंबी हो गई है, अब हमें निकलना है चंडीगढ़। तो दोस्तों हम चंडीगढ़ निकल रहे हैं, अब हम चंडीगढ़ शायद पहुँचेंगे रात को 12 बजे तक। तो ठीक है, मैं फिर मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।